हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल डिफरेंट लुक। तो ये वाली आई मेकअप लुक मैंने ऑनलाइन कहीं देखी थी, मुझे याद नहीं है किसने क्रिएट की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए लुक रिक्रिएट करूँ, बट विद अ ट्विस्ट। तो मैंने कोई भी ब्रशेज नहीं यूज़ किए। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप टू स्टेप कट क्रीज मेकअप लुक कर सकते हैं, जो बहुत ही डिफरेंट लगेगी, स्पेशली अगर आप वेयरिंग के लिए करना चाहते हैं। बट यूजिंग अ क्यू टिप या फिर आप ईयरबड भी बोलते हैं, कोई भी आपको ब्रशेज नहीं यूज़ करने। तो मैंने एक भी सिंगल ब्रश नहीं यूज़ किया ये लुक क्रिएट करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी और हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही जल्दी आप क्रिएट कर लेंगे। तो मैं इस तरह की और भी डिफरेंट लुक्स आप लोगों के लिए लाऊंगी। अगर आप इस तरह की और भी लुक्स देखना चाहते हैं यूजिंग क्यू टिप, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ में मैंने सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स नीचे मेंशन कर दी है, आप चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट होती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल सेम है, दीप्ति के शर्मा। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया आप ज़रूर फॉलो करें, मैं हमेशा आपके मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ और आपके कमेंट्स भी सारे सबका रिप्लाई करती हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरह से क्यू टिप यूज़ करके आप टू स्टेप में कट क्रीज लुक क्रिएट कर सकते हैं, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं टेप अप्लाई कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं आपका आई मेकअप बहुत ही अमेजिंग लगे तो आप टेप ज़रूर अप्लाई करें इस तरह से। तो आप कोई भी सेलो टेप यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको बेस अप्लाई करना बेहद ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मेरी आईज़ पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कंसीलर थोड़ा सा थिक प्रोडक्ट है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बफिंग ब्रश यूज़ करी। तो ये आई मेकअप में नहीं आता, इसलिए मैं सिर्फ ब्लेंड करने के लिए ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप स्पंज के साथ भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेट कर लूँगी बेस को प्रेस पाउडर के साथ, ताकि स्मूथ बेस मिल जाए आपको। आई मेकअप के लिए मैंने जैकलिन हिल की वॉल्यूम 2 पैलेट यूज़ की है, आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह का ब्राउन शेड चाहिए, और सबसे पहले आप क्या करेंगे क्यू टिप की हेल्प से, तो मैंने टेप अप्लाई की है, आपको एक स्मज विंग लाइनें क्रिएट करना है। तो लाइटली आप इस तरह से स्मज करते जाएं। मुझे सीरियसली बहुत ही इजी लगा यूजिंग अ क्यू टिप। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से स्मज लुक के लिए। तो इस तरह से आपको स्मज लाइनर करना है, तो पहले आप विंग से शुरू करेंगे। तो लाइटली मैं और अप्लाई कर रही हूँ, और आपको हल्का हल्का इस तरह से इनर कॉर्नर्स पे लेके जाना है। तो बहुत बहुत सिंपल लुक है। अब नेक्स्ट आपको थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ करना है, क्योंकि हमें ग्रेडियंट लुक चाहिए स्मज लुक के लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क करती जाऊंगी यूजिंग क्यू टिप अगेन। तो आप सेम क्यू टिप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने टोटल सिर्फ 2 क्यू टिप यूज़ की हैं पूरी लुक में, आपको बहुत सारी क्यू टिप्स यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको लाइटली स्मज करते जाना है। अब अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रीन कलर के साथ ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं, आप ब्लैक आई शेडो के साथ कर सकते हैं, पिंक आई शेडो के साथ कर सकते हैं, इवन आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर आई शेडो के साथ ये वाली लुक बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरह से लाइटली आपको स्मज करते जाना है, और इनर कॉर्नर्स पे आप लाइटली अप्लाई करें। तो ये मैं आपको पहला स्टेप दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में आपको स्मज लाइनर करना है। अब लाइटली मैं इसको डार्क करती जाऊंगी, तो सेम जो मैंने अभी आई शेडो लिया था उसी आई शेडो के साथ आपको लाइटली डार्क करते जाना है। और कोशिश करें आप विंग को थोड़ा डार्क रखें, तो विंग पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अप्लाई करें। इनर कॉर्नर्स पे आप थोड़ा सा लाइट भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप लैशेज अप्लाई करेंगे। अब थोड़े से और डार्कर शेड में जाते हैं, तो मैं ये थोड़ा सा क्रैनबेरी शेड यूज कर रही हूँ। अब अगेन आउटर कॉर्नर से आपको फोकस करना है, तो इस तरह से आप स्मज करते जाएं, और फिर आप इनर कॉर्नर्स की तरफ लाइटली ड्रैग करके लेके आएं इस तरह से। तो सेम क्यू टिप यूज़ कर रही हूँ मैं, तो लाइटली आप स्मज करते जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ब्लेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है इसके साथ, क्योंकि क्यू टिप के साथ बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन होती है। So why didn't you call? नाउ अगेन आई एम गोना टेक दिस लाइट कलर जो हमने पहले अप्लाई किया था सबसे पहले। अब ये सेकेंड स्टेप है, इसमें आपको क्या करना है, जो आपका फोल्ड होगा आइज़ का उसके ऊपर इस तरह से लाइटली आपको क्यू टिप की हेल्प से डैप करते जाना है कलर। तो यहाँ पे हम क्रीज बनाएंगे, तो मैं हाफ क्रीज ही बना रही हूँ उस तरह से। अगर आप फुल कट क्रीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये लुक बहुत ही डिफरेंट लगेगी और बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत सिंपल है। तो जहाँ पे भी आपकी क्रीज फोल्ड हो रही है बस वहाँ पे आपको लाइटली पहले डैप करना है क्यू टिप से कलर को, फिर उसके बाद लाइटली आप इस तरह से स्मज करते जाएं।
अब ग्रेडियंट लुक ही करना है तो उसके लिए लाइटर कलर से हम डार्कर कलर में जाएंगे। अब अगेन डैबिंग मोशन में पहले आप डैब करेंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद आप ब्लेंड करते जाएंगे। तो पहले मैं डैब डैब करके अप्लाई कर रही हूँ शेड को, ताकि पिगमेंटेशन मिल जाए आपको, तो बहुत ज़्यादा आपको ब्लेंड नहीं करना। नाउ अगेन थर्ड कलर हम ये वाला ले रहे हैं जो हमने पहले लिया था, तो सेम स्टेप्स हम ऊपर भी रिपीट करेंगे, और लाइटली आपको डार्क करते जाना है क्रीज को इस तरह से। तो अगेन अगर आप फुल कट क्रीज चाहते हैं तो आप एंड से भी क्रीज बना सकते हैं पूरा, बट मैंने हाफ ही रखी है। तो लाइटली आप इस तरह से डैप करें और अच्छे से उसको स्मज करते जाएं शेड को इस तरह से। अब मैं ये गोल्डन शिमर लाइनर ले रही हूँ, ये रेवलॉन का है, मैं दिखाना भूल गई थी, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, ये आई आर्ट शिमर लाइनर है। तो इस तरह से आपको जहाँ पे आपने क्रीज में आई शेडो अप्लाई किया उसके नीचे आपको इस तरह से आई शेडो की जगह ये वाला लाइनर अप्लाई करना है। अब आप किसी भी कलर का ग्लिटर लाइनर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप ग्रीन अप्लाई कर लें इस वे में। तो इस तरह से लाइटली आप अप्लाई करते जाएं। तो अगेन अगर आपने फुल कट क्रीज किया होगा तो आपको फुल लाइनर अप्लाई करना है सेम वे में इस तरह से। अब आप लोग हमेशा कहते हैं मैं दूसरी आंख का मेकअप नहीं दिखाती, तो मैं क्विकली आपको दिखाऊंगी। तो सेम स्टेप्स मैं दूसरी आंख पे भी रिपीट कर रही हूं। तो लाइटर शेड से मैंने शुरू किया है और स्मज करती जाऊंगी इस तरह से। तो सी मैंने टेप अप्लाई की है तो उससे बहुत इजी हो जाता है जब भी आप स्मज लाइनर लुक करते हैं, और मोस्टली मैं अपनी हर आई मेकअप में टेप अप्लाई करती हूँ क्योंकि इजी हो जाती है एप्लीकेशन। तो सेम वे में अब सेकेंड शेड अप्लाई कर रही हूँ जो ग्रेडियंट लुक के लिए हमने यूज़ किया था, अब उसको स्मज करती जाऊँगी सेम वे में इस तरह से। तो लाइटली आप स्मज करते जाएं, और लेंथ आपको कैसे चेक करनी है आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि आपको लेंथ कितनी चाहिए, तो उस वे में आप लेंथ सेम रख सकते हैं। तो आप सामने देखिए और फिर आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। अब सेम वे में मैं क्रीज पे इस तरह से डैब डैब करके शेड अप्लाई करूंगी, और सेम कलर्स यूज कर रही हूं मैं जो मैंने पहले यूज किए हैं। तो अब जब भी आप दूसरी आंख पे मेकअप करते हैं आप कोशिश करें कि आपने जो पहले मेकअप किया है आंख पे तो उसको आप फॉलो करते जाएं, तो उससे ऑलमोस्ट सिमिलर लुक आता है। तो इस तरह से मैं ब्लेंड करती जाऊंगी, और इसके बाद मैंने लाइनर भी अप्लाई किया था बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ समहाउ। तो इस तरह से अच्छे से ब्लेंड करें। अब लैशेस के लिए मैं फ्लोरेस की लैशेस यूज कर रही हूँ, आप कोई भी फॉल्स लैशेस यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप बिफोलन की लैशेस यूज कर सकते हैं, बहुत सारी अफोर्डेबल लैशेस हैं अमेजोन पे आप चेक कर सकते हैं। तो सेंटर पे आपको लैशेस को रखना है, और लैश ग्लू को ड्राई होने के लिए आपको 40 सेकेंड्स तक लैशेस को ऐसे ही रख दें ताकि लैश ग्लू ड्राई हो जाए, उसके बाद आप अप्लाई करें। तो फिर मैं इनर कॉर्नर से और आउटर कॉर्नर से स्टिक कर लूंगी। काजल के लिए मैं रिमल की काजल पेंसिल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आप लैक्मे की भी यूज कर सकते हैं। अब सेम ये वाला क्रैनबेरी शेड यूज कर रही हूँ मैं, और कोई पेंसिल ब्रश नहीं यूज किया मैंने, आपको क्यूटिप के साथ ही अच्छे से स्मज करना है लोअर लैश लाइन पे इस तरह से। तो आउटर कॉर्नर से फोकस करें और इनर कॉर्नर पे आप लाइटली ड्रैग करके लाएंगे सेम कलर। अब सेम वे में मैं दूसरी आंख पे भी अप्लाई कर रही हूँ, तो इसलिए इस बार मैंने आपको दोनों आईज का मेकअप दिखाया है। नाउ नेक्स्ट आई एम गोना टेक दिस आई शैडो। तो ये थोड़े से प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, एग्जैक्टली ग्लिटर्स नहीं है, थोड़े से शिमर आई शैडो है, तो इसको मैं इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी अपनी इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। आप चाहें तो आप ग्लिटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मस्कारा के लिए मैंने लैक्मे का मस्कारा यूज किया है, अच्छे से मैं लैशेस को कोट कर लूंगी। सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज। मुझे पर्सनली ये लुक बहुत ही अच्छी लगी, और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई भी ब्रश नहीं यूज करना, और कोई भी आई शेडो के साथ आप ये वाली लुक क्रिएट कर सकते हैं। ग्रीन आई शेडो के साथ बहुत अच्छी लगेगी, इवन ब्लैक के साथ भी अच्छी लगेगी। तो आप जरूर ट्राई करके देखें, और अगर आप रिक्रिएट करें तो प्लीज मुझे टैग जरूर करें ऑन माई इंस्टाग्राम। और अगर आपकी इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं मैं क्यू टिप को यूज करके और भी आई मेकअप लुक क्रिएट करूँ, या फिर आप मुझे पिक्चर्स भी भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। और अगर आपने फॉलो नहीं किया, डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी जो सीखना चाहते हैं बहुत ही सिंपल बट क्विक मेकअप। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और मुझे सपोर्ट करें. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. बाय गाइस, यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. Looks like you're changing and all.